नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है थर्सडे और आज है 26th में, यानी कि मेरा बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है, तो आज मेरा भी बर्थडे है। थोड़ा खुशी भी है और थोड़ा दुख भी लग रहा है, क्योंकि मेरी जो दीदी की बेटी है निधि, उसका भी आज ही बर्थडे है। तो हम लोग ने प्लान किया था कि साथ में सेलिब्रेट करेंगे, जाकर उन्हें सरप्राइज़ देंगे, पर जो पहले से सोच कर रखती हूँ ना, वो कभी भी पूरा नहीं होता है। तो नहीं हुआ, नहीं हो पाया, क्योंकि दीदी आज जाएगी। उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बोला था, तो वो आज फिर जाएगी, उनका चेकअप है शायद, तो आज जाएगी। तो फिर घर में ऐसे बीमार रहते हैं ना कोई, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। उसके लिए थोड़ा ख़राब लगता है कि छोटी है, और जब से वो पैदा हुई है ना, मैंने उसे देखा नहीं है। मतलब फ़ोटो में देखा है, वीडियोस में देखा है, पर ऐसे नहीं देखा है आमने सामने ना। तो कल रात को मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी दीसू के पापा से बात करते करते। तो फ्रेंड्स, आज खाने में मैंने बनाई थी मसूर दाल और उसके साथ तीता बैगन और आलू की भाजी। ये है ढेकिया साग और ये है तीता बैगन बॉईल की थी, पापा खाएंगे बोल रहे थे इसीलिए। और आज मैंने बनाई थी चिकन कोशा, तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और शाम को ये दिसु के पापा लेकर आए। फ्रेंड्स, तो आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। केक वेक तो नहीं काटेंगे, तो यहाँ पर पकौड़ा पापा लेकर आए हैं और बाकी की चीज़ें जो है वो दिसु के पापा लेकर आए हैं। तो चलिए अभी हम खाएंगे। तो पापा को मैंने दे दिया है, और दिसु का रसमलाई फिनिश हो गया है। पापा को सिर्फ चमचम नहीं दी है, उनको शुगर है ना, तो क्या बोलते हैं, ये रसमलाई दे दी है। तो पापा खा रहे हैं चाय के साथ, तो चलिए अभी हम भी खाएंगे। तो दिसु के पापा को चाय चाहिए है, तो मैं चाय लेकर आती हूँ। तो इन्होंने मुझे जाओ चाय, मैं वही सोच रही थी कि चाय पीते हुए आज मुझे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, तो केक लेकर आए। बाप रे बुरा, बोला कि मुझे चाय दो। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये क्यों इतना चाय मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती ब्लॉग भी करने नहीं दे रहे थे। तो चाय, जब उनका चाय लेकर आई हूँ बनाकर, तो ये बाहर निकल आए। मेरा बर्थडे केक, और यहाँ पर ये ख़राब हो गया थोड़ा सा, क्योंकि पक्का। तुम क्या डिक्की में डाल के लाया था? डिक्की में डाल के छुपा कर रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए। तो सरप्राइज़ तो अच्छा ही हुआ, बट यहाँ पर ये फ्लावर्स जो है ना, वो ख़राब हो गए हैं। मेरे दिसु का तो कम्प्लीट ही हो गया है खाना। फ्रंट कैमरा के कारण ना, मेरा राइट हैंड भी आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, दिसा बोसल दीवार बात है। हैप्पी बर्थडे टू मी, बोला तो हैप्पी बर्थडे रिंकी, हैप्पी बर्थडे रिंकी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर केक कट कर ली है, तो अभी मैं यहाँ से ना एक पीस निकाल लेती हूँ। और जब ना मैं चाय बनाकर लेकर आई ना, तब मेरा कैमरा तो ऑफ था। अगर कैमरा ऑन होता तो आप देखते मेरा रिएक्शन, कि मैं केक देखकर मेरा क्या रिएक्शन था। तो सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। वाला बर्थडे मेरा सबसे अच्छा गया। तो हमारा मैरिज एनिवर्सरी जो इतना ख़राब गया था ना, बर्थडे अच्छा गया मेरा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, और आज दिसु के पापा का सरप्राइज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है मुझे। मेरी आज बुआ आकर बोल कर गई है कि कोई अगर गेस है, तो जब उसकी बुआ चली गई, उसके बाद कॉपी लेकर बैठी है, होमवर्क कर रही है अकेले। तो मैंने दिसु के पापा आ गए, तो मैंने कहा चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे पढ़ना है अभी, बहुत सारा होमवर्क है मेरा। अभी सेलिब्रेशन करने के बाद आकर बैठी हूँ, तो मुझसे वीडियो बनी नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इतनी खुशी है मुझे, आपका हस्बैंड अगर आपको कुछ भी चाहे, कुछ बड़ी चीज़, महंगी चीज़ या छोटी से छोटी भी चीज़ दे,
तो उसका खुशी अलग होता है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से मैं अपना बर्थडे मेरे हस्बैंड के साथ, हर साल मेरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और